Hello guys, here we will talk about some biology tips and tricks which will help you to learn the examples of fungi easily. मैंने सुना है बहुत लोगों को फंजाई के एग्जाम्पल्स याद रखने में बहुत प्रॉब्लम जाती है. मुझे भी जाती थी और जाती है. सो इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है जो कि आप लोगों को बहुत ईजीली हेल्प करेगी. सो वी विल स्टार्ट हियर विथ फर्स्ट फाइकोमाइसिटिस. फाइकोमाइसिटिस में एग्जाम्पल्स होते हैं राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर. सो राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिटिस याद रखने के लिए हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं. तो हमको एक ही वर्ड याद रखना पड़ेगा, वो है राम. राम मीनिंग आर, राइजोपस ए, एल्ब्यूगो एंड म्यू एम म्यूकर. एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, राइजोपस ब्रेड माउथ. इट इज़ ईजी टू लर्न दिस वर्ड राम फॉर फाइकोमाइसिटिस. सो कीप इट इन योर माइंड ईजीली. नाउ वी विल गो टू एस्कोमाइसिटिस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सैक फंजाई. इन इट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू रिमेंबर ओनली वन सेंटेंस, दैट इज वी कैन डू एनी थिंग. हम लोग कोई भी चीज़ ईजीली कर सकते हैं, बस उसको याद रखने के लिए हमको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है. सो याद रखना, एस्कोमाइसिटिस वी कैन डू एनी थिंग कैन सी क्लाइसेप्स ए एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि वो यूज़ होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए. सो इसे प्लीज़ अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है. अब हम लोग देखेंगे बेसिडियोमाइसिटिस के बारे में. इसमें भी हमको एक छोटा सा याद रखना पड़ेगा वर्ड, दैट इज़ नो सॉरी सेंटेंस, यू पी ए गेट लॉस्ट. सो आपको पी ए को अपने इसमें से भगाना है, अपने कंपनी से या कहीं से भी गेट लॉस्ट करना है. तो तुमको याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ बेसिडियोमाइसिटिस में यू पी ए गेट लॉस्ट. यू यूस्टिलॉग स्मूथ, पी पक्सीनिया रस्ट फंगस, ए अगैरिकस मशरूम. ओके गाइस, नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्यूटेरियोमाइसिटिस. इसमें आप लोगों को एक हार्मोन को याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ ए सी टी एच हार्मोन. दैट इज़ ए अल्टरनेरिया, सी क्वालिकोट्रैकम, टी ट्राइकोलर्मा. तो हमने देखा कि एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई हमको कैसे याद रखने हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, प्लीज़ राइट इट इन योर कमेंट्स. ओके, थैंक यू.